SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश कृपाणी, बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज के हम लेक्चर में पार्ट 5th रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस में प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं। इसके हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसके आगे की सीरीज में भी। आज हमने जो प्रॉब्लम ली है उस प्रॉब्लम में बच्चों हमारे पास में 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं किशोर लिमिटेड कंपनी के और 3,000 उनके जो हैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, ऑल शेयर्स बींग फुली पेडअप। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने क्वेश्चन में कही आपको कि शेयर्स क्या हैं फुली पेडअप हैं, क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर्स का शोधन करना है क्वेश्चन में और उसके लिए शेयर्स क्या होने चाहिए फुली पेडअप होना चाहिए। ऑन 31 मार्च 2018 को प्रेफरेंस P&L अकाउंट का जो बैलेंस है आपका वो है आपका 50,000 और जनरल रिजर्व का बैलेंस है आपका 1,20,000। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमें कैसे रिडेम्पशन करना है ये इस पर डिपेंड करता है कि पैसा आपके पास कितना पड़ा है। और 2018 को डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि 1500 शेयर्स जो हैं 6% प्रेफरेंस शेयर्स वाले 100 रुपये ईच वाले आपको जो बाजार में इशू करने हैं और रिडीम द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹105 यूटिलाइजिंग एज मच एज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का ₹105 जो भी आपके लगेंगे उस पर, क्योंकि आपका शेयर तो 100 रुपये का था, शेयर पर 100 रुपये का मतलब आपकी जो टोटल कैपिटल थी 3,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स की, उस पर 5 रुपये यानी कि 15,000, 3,15,000 का अपने को अरेंजमेंट करना होगा। उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स में जो नया आपने इशू किए हैं उसके पैसे को सबसे पहले यूटिलाइज किया जाएगा। तो अब मैं यहाँ से पहले सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट बनाइए जिसमें आप लिखिए कि हमें कितना पैसे का अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कैपिटल के लिए 3,00,000 और प्रीमियम के लिए आपको चाहिए 15,000। ठीक है, ये जो फर्स्ट एंट्री में देख रहे हैं आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,00,000 की और प्रीमियम आपका हो रहा है 15,000, इन दोनों को क्या करना है आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल देना है। ठीक है, ये पैसा आपका टोटल आपका पैसा है जो कि आपको चाहिए। इसके बाद में अब देखते हैं आगे कि हमें क्या करना होगा, इसके लिए पैसा कहाँ से लाए, तो हम इसके लिए नए शेयर्स बाजार में इशू करने हैं। तो अभी पैसे का अरेंजमेंट हम पहले वर्किंग मोड में क्यों ना कर लें बच्चों, तो हम 3,00,000 रुपये का अरेंजमेंट करते हैं। 3,00,000 के लिए आपने 1,50,000 के तो नए शेयर्स इशू कर लिए, अब बाकी आपको 1,50,000 और चाहिए, तो उस 1,50,000 को आप कहाँ से लेंगे कैसे लेंगे ये देखना है। अच्छा, इधर से आपको प्रीमियम भी चाहिए, प्रीमियम के लिए कौन से फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, या तो शेयर प्रीमियम पड़ा हो, और अगर आपके पास शेयर प्रीमियम नहीं है तो जनरल रिजर्व से लीजिए या P&L से लीजिए। ठीक है, तो हम इसको जो है प्रीमियम को जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, तो 15,000 आपने ले ली, तो 1,20,000 का आई थिंक आपके पास में क्या था, जनरल रिजर्व था। ये देखिए जनरल रिजर्व आपका 1,20,000, उसमें से आपने 15,000 ले ली तो आपके पास बचा 1,05,000। 1,05,000 को आप जो है 1,50,000 के लिए वापस यूज करिए, 1,50,000 3,00,000 के दो हिस्से कर रहे हैं आप, 1,50,000 तो शेयर कैपिटल नई इशू कर रहे हैं 6% वाली, और बाकी के लिए जो है आप इसको उससे ले लीजिए, तो आपके पास में 1,05,000 आपने वहाँ से ले लिया जनरल रिजर्व से, बाकी को आप P&L अकाउंट से ले लीजिए क्योंकि P&L अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो अपने P&L अकाउंट से हम कितना पैसा लेंगे इसका, 45,000 टोटल 1,50,000 आपको लेना है, तो आपके पास P&L अकाउंट में कितना पैसा पड़ा ये देख लीजिए, P&L में 50 पड़े उसमें से 45 यूज हो जाएंगे। चलिए इसके एंट्रीज करते हैं हम। तो पहली एंट्री में आपने 3,15,000 को शेयर होल्डर में डाल दिया, शेयर होल्डर में डालने के बाद नए शेयर इशू किए बैंक अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नए शेयर इशू करने के बाद में आपने जनरल रिजर्व से जो पैसा है वो 15,000 निकाल करके प्रीमियम और रिडेम्पशन जो कि आपका डेबिट हो रहा था लॉस हो रहा था उसको क्रेडिट करके आपने उस लॉस को रिकवर कर लिया आउट ऑफ जनरल रिजर्व। इसके बाद में फिर जनरल रिजर्व अकाउंट और P&L अकाउंट दोनों से पैसा निकाल करके आपने CRR क्रिएट कर लिया 1,50,000 का, 1,05,000 मैंने आपको बताया था हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि 15 आप वहाँ ले चुके हैं, तो बाकी आपने 1,20,000 में से 1,05,000 लेके जनरल रिजर्व पूरा यूज़ कर लिया, बाकी आपने P&L अकाउंट से 45,000 ले लिए, तो ये 1,50,000 आपने जो है CRR क्रिएट कर लिया। और इसके बाद इसकी हम एंट्री कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक, इस 3,15,000 का हमने पूरा इनको पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व की जिसमें हमने दो तरह की चीज़ें समझी बच्चों, एक तो कैसे नए शेयर इशू किए जाएंगे इसके लिए, और नए शेयर इशू करने के साथ में हमने रिडम्पशन किया यहाँ पर प्रीमियम पर। इस क्वेश्चन में आपने ये समझा कि रिडम्पशन प्रीमियम पर कैसे होता है और उस प्रीमियम के पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, और उसका अरेंजमेंट करने के बाद में साथ में दूसरा मेथड भी आपने इसमें समझा कि लाभों से किस प्रकार से पैसा लिया जाएगा, और लास्ट में उसका भुगतान हमने किया है 3,15,000। धन्यवाद।